अब जो वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने हेरिडिटी डायरेक्ट जंप किए थे हम लोग हेरिडिटी पर। तो आखिरकार हेरिडिटी जो ट्रांसफर होगा ट्रेड्स का, वो किस तरह होगा, वो हमें समझने आ गया, रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे थे ट्रेड्स, क्या वो एग्जैक्टली आ जाएंगे, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो वेरी करेंगे। अगर एसेक्सुअल है तो वहां पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि वो एग्जैक्ट कॉपी बने, लेकिन अगर वो सेक्सुअल है तो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं कि वेरिएशंस आए, है ना। तो यहां पर हम लोग वेरिएशंस के ही बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। बहुत इससे एक आपको आंसर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होंगे या कोई और भी स्ट्रेंजर होगा, उससे आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करोगे। ऑल दो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। अब इमेजिन करो, अगर यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होते तो हर इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी होता, आप डिस्टिंक्टिवली नहीं बता सकते थे कि ये इससे अलग है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगेन बोलूंगी यहाँ पर, उन्हें अवॉइड करके, मतलब उनको एक्सेप्शन मान के और कोई भी चीज नहीं होती, हम लोग बहुत एग्जैक्ट ऑलमोस्ट कॉपीज लगते हैं एक दूसरे की। तो वेरिएशंस के ही थ्रू हम लोग जो पॉपुलेशन में ये बता पाते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर अपीयरेंस ट्रेट्स अलग है, ठीक है, वो वेरिएशंस के थ्रू ही बता पाते हैं। तो वेरिएशंस क्या है, वो क्या है, ट्रेट्स जो है उनका अलग अलग होना, ठीक है, एक ही सेम पॉपुलेशन में, एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन में, हर एक इंडिविजुअल में जो पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं उनका अलग अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर भी दिखाया है सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, लेकिन सबकी हाइट वेरी कर रही है, तो इसके बेसिस पर आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। वेट की बात करें तो कोई जो है थिन है, ठीक है, इसी तरीके से जेंडर्स, मतलब हेयर की बात करें तो हेयर के बेसिस पे भी आप अलग अलग। तो ये क्या होगा, ये ट्रेट्स हो गए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो कि एक ही स्पीशीज में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की हम बात किए तो ह्यूमन बीइंग में ही सब में अलग अलग हैं, ठीक है। वही बात करें, अगर अब आपको लगे कि सिर्फ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो हम वेरिएशंस कह रहे हैं सिर्फ हमारे ही अंदर होते होंगे, और कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, उसके अंदर नहीं होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। डॉग्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो डॉग्स के अंदर आपको अलग अलग तरह के ब्रीड्स आसानी से देखेंगे, ठीक है, सारे हैं डॉग्स ही, है ना, तो लेकिन आप देख सकते हो, है ना, गोल्डन रिट्रीवर जो है, रॉटवाइलर, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अपीयरेंसेस के बेसिस पर आप बिल्कुल आसानी से देख कर बता सकते हो कि कौन सा, सब डॉग है लेकिन, सही है, क्वेश्चन यहाँ पर वहीं खत्म हो जाता है सब डॉग, लेकिन उनके जो अपीयरेंसेज हैं, उनका जो कोट कलर है, वो सब एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मन शेफर्ड की बात करो और उसको पोमेरेनियन से कंपेयर करो, तो दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंसेज के बेसिस पर आप डिस्टिंक्टिवली बता सकते हो कि ये जर्मन शेफर्ड है, ये पोमेरेनियन है, ठीक है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया वेरिएशंस की वजह से, ठीक है, जो चेंजेस सेम स्पीशीज सेम पॉपुलेशन के अंदर आ पाए उनकी वजह से। और ये वेरिएशंस जो हैं, हमने पहले भी बात की, तो कहाँ ज्यादा आपको दिखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे कि आप व्हाइट टाइगर जो है उसे देख सकते हैं, है ना, इसे दूसरे जो नॉर्मल टाइगर होता है, ठीक है, बंगाल टाइगर, उसको देख सकते हो, कैट्स में देख सकते हो, फर कोट देख सकते हो सबका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सबका ब्राउन है एक्सेप्ट दिस कैट, इसका ब्लैक कोट है, लेकिन इसमें भी ब्राउन कलर में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, ब्राउन कलर भी अलग है, जैसे ये लाइट ब्राउन है, ठीक है, वो थोड़ा ग्रेइश ब्राउन है। तो ये अलग अलग जो हर किसी इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले ये जो हम सारी टर्म्स से डील कर रहे हैं वो अच्छे से समझना, कि आखिरकार कि किस तरीके से हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर आपको आपका बेस तैयार हो गया था, ठीक है, कि किस तरह से जो एक स्पीशीज है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग दिखता है, ठीक है, किस तरह से ट्रेट्स जो हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अब
यहाँ पर एक और चीज देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक, ठीक है? तो ये हम लोग इंस्पायरिंग थॉट्स में आपको जरूर दिखता होगा कि हर कोई बोलता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अनदर पर्सन. क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो, ठीक है? वो चीज भी है इंपॉर्टेंट, अगर आप बायोलॉजिकली भी देखो तो भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ट्रेट्स हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो बिल्कुल अलग होंगे किसी और इंडिविजुअल से, ठीक है? आप एक अलग तरह के ट्रेट्स कैरी करके ले जा रहे हो. आगे बात करते हैं, एवरी आइडेंटिकल इंडिविजुअल कैन हैव सम वेरिएशंस. तो यहां पर आप ये बोल सकते हो, व्हाट अबाउट ट्विंस? बहुत अच्छा सा एग्जांपल है. ट्विंस के अंदर भी बहुत सारे, मतलब आपको आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो दिखेंगे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होते हैं. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स को छोड़ देते हैं, यहाँ ट्विंस का भी एग्जांपल नहीं लेते हम लोग. एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि एमीबा हो गया, ठीक है? एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ठीक है? बाइनरी फिशन यूजुअली होता है उनके अंदर, एग्जैक्ट कॉपी बन रही है. एग्जाम्पल जो मैंने हार्श कंडीशन वगैरह का दिया था, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहां पर भी रोल प्ले कर लेंगे, जिससे कि जो अमीबा की प्रोजेनी होगी वो अलग होगी. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर अलग होंगे उनके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट अमीबा जो है उससे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि फर्स्ट इज एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक. हर किसी के अंदर एक डिफरेंट, एक से भी ज्यादा ट्रेट्स जो होते हैं वो वेरी कर अलग अलग होते हैं, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की भी, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर ही होंगे, ठीक है? अब आंसर कर लेते हैं थोड़ा सा ये कि वेरिएशंस किस वजह से होते हैं, ठीक है? हमने वेरिएशंस के बारे में बात कर ली, तो हमने जान लिया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर हो सकते हैं, ठीक है? और भी सारे, कई सारे जो रीजंस हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, जब आप कोई ट्रेट्स इनहेरिट कर रहे हो वहां पर कोई चेंजेस आ जाए, है ना? और रेंज ऑफ फिनोटाइप्स की, किस तरीके से आपके अंदर कौन सा पर्टिकुलर फिनोटाइप आ रहा है वो भी डिपेंड करेगा. एनवायरमेंटल बहुत, जो एनवायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज समझने की कोशिश की, हमने यहाँ पर कोशिश की हेरिडिटी क्या है, ठीक है? हेरिडिटी के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि जो वेरिएशंस हैं तो उसका बेस कहाँ से शुरू किया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने की, किस तरीके से जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है चेंजेस इकट्ठे एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली वेरिएशंस जो है देखे जाते हैं, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको वो वेरिएशंस जो है वो ज्यादा दिखेंगे कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में भी ये बात की गई थी कि हम साइंटिस्ट होंगे, जो भी लोग होंगे जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स, जो भी हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं. जैसे हमने ये बात बोल दी कि ट्रेट्स जो हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है? क्या आपको स्टार्टिंग से ये बात पता थी, क्या इंसान जब पैदा हो, मतलब उसका अर्थ पर अस्तित्व आया था, क्या उसे जब से ये बात पता थी? ऐसा नहीं था. कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ इन्वेस्ट की कुछ आंसर्स जानने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है? जहां पर हम लोग जीन्स, हेरिडिटी, ये सारी इनहेरिटेंस वगैरह के चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो जो मेंडल है, इनका नाम था जोहान मेंडल, ठीक है? पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल. इन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है स्पेशली, ठीक है? तो इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में. इनकी वजह से ही हम जो आज इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जान पाते हैं. इवन आपको जानने में हैरानियत होगी कि जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटी की वजह से ही हम लोग कई सारी बीमारियों के बारे में हम आज जान पाए कि ये बीमारी जो हो रही है वो किस वजह से हो पा रही है, और उसका क्योर भी निकाल पाए कि किस तरह हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में.
तो इन्हें हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। अब इन्होंने ना क्या किया था, ये जो कॉन्सेप्ट निकाला, इन्होंने स्टडी की थी पीस प्लांट जो होते हैं, पी प्लांट होंगे, उन पर स्टडी की थी, और उनके थ्रू ये जो हम पूरा पढ़ पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, सारी अलग अलग चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो वो प्लांट जो इन्होंने जिस पर स्टडी की थी वो कौन सा था, पी प्लांट, और वो उनके मोनेस्ट्री गार्डन में प्रेजेंट था, वहां पर स्टडी की थी, ठीक है। और ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बात हुई, पहले क्या हुआ करता था बायोलॉजी में, मैथ्स की एंट्री नहीं थी, लेकिन मेंडल जो थे इन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स का कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, कंबाइन किया मैथ्स को, और उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। और इन्होंने जितने भी अपनी स्टडी के बाद जो भी इनके आउटकम्स आए उसके अकॉर्डिंग लॉज दिए, जिनको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर मेंडल के बारे में जानने की जरूरत थी, जैसे कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, किस प्लांट पर उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने पी प्लांट पर स्टडी किया, और उन्होंने अपनी स्टडी के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स आए उनको किस, आज हम किस बात से जानते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि पी प्लांट तो हमने बोल दिया, तो मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों किया, अगर देखें तो प्लांट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, पी के ऑल्टरनेटिव्स भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं पीस के, मतलब पी प्लांट के, जैसे कि दिस प्लांट इज ईजी टू ग्रो इन द गार्डन, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ग्रो करने के लिए, आसानी से गार्डन के कहीं भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। और द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट हैव बाईसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, तो इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके साथ साथ इजी टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड प्लांट थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है हम इसे बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि आपको ना, मतलब प्योर प्लांट के बारे में हम यहाँ ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा प्लांट जिसमें एक ही करेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, मिक्सिंग ना हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ करेक्टरिस्टिक एक ही हो, मिक्सिंग ना हो, उससे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर उसमें जीन्स हैं, ठीक है, तो वो होमोजाइगस जीन्स हो, हेट्रोजाइगस ना हो। ये टर्म बहुत अजीब सी यूज हो गई, बात करते हैं कि जीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं जीन्स की बात कर रही हूँ एक, मतलब अगेन हाइट की, तो उनके अंदर सेम जीन्स हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि हाइब्रिड फॉर्म में जीन्स हो, ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं इनको हम लोग। तो आसानी से आप इसमें जो है पी प्लांट में जो है जो प्योर ब्रीडिंग है होमोजाइगस जो जीन्स हैं वो ला सकते हो, ठीक है, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके कुछ, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर आपको याद है हमने जब प्लांट्स में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो विद इन द फ्लावर अगर मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो अगर वही फर्टिलाइजेशन हो रही है किसी और फ्लावर, प्लांट के फ्लावर से नहीं हो रही है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्योर ब्रीड प्लांट की प्रोड्यूस आसानी से कर सकते हो। उसके साथ साथ जो पूरा जनरेशन हो जाए, जो पूरा साइकिल होती है पी प्लांट की, वो बहुत लंबी नहीं होती, तो जितने भी आपको करेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट में देखने हैं वो आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये एक्सपेरिमेंट्स इतने, और साथ के साथ ये डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, मतलब आसानी से इन्हें इतनी बीमारियां नहीं लगती। तो ये कुछ काफी फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से पी प्लांट को चूज करना कोई बेकार बात नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपसे भी पूछा जाए कि पी प्लांट मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया, तो सारे ये सारे उनके आंसर्स हैं, क्या क्या हैं, इजी टू ग्रो, ठीक है, और जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है, प्योर ब्रीड आप उसमें जनरेट आसानी से कर सकते हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और साथ के साथ डिजीज रेजिस्टेंट। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पी प्लांट सेलेक्ट किया गया जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, जेनेटिक्स के पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब पी प्लांट में स्पेशली थोड़े ये याद रखना करेक्टरिस्टिक्स,
तो 7 करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ट्रेट्स जो थे, जो मेंडल ने चूज किए पी प्लांट में. ठीक है, तो मतलब ये समझ सकते हैं कि मेंडल की ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी थी. उन्होंने स्पेशली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो थे वो सेलेक्ट किए पी प्लांट में. अगर उन्हें हम लोग कैटेगराइज करें अलग अलग तो ये देख सकते हैं. तो उन्होंने बेसिकली किस्म किस्म में देखे, सीड को कंसिडर किया पी प्लांट के, ठीक है, फ्लावर को कंसिडर किया, और जो पी जहां पर होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो पॉड, ठीक है, उसे हम पॉड कहते हैं, उसको कंसीडर किया. ठीक है, और जो पी प्लांट के स्टेम्स थे उनको कंसीडर किया. अब ये जो हम लोग कैटेगरीज अलग अलग बना दी, ठीक है, तो उनमें क्या क्या सेलेक्ट किया उन्होंने. सीड की बात करें तो सीड में जो है किस तरह के दिखते हैं, ठीक है, तो अगर वो राउंड दिखते हैं, ठीक है, और कलर कैसा है, ग्रे फॉर्म के बारे में, और वहीं पर यही शेप जो थी इसमें फॉर्म है, या आप शेप कह सकते हो. सीड की शेप कुछ पी प्लांट्स में कैसी थी, राउंड थी, ठीक है, और ग्रे, और वहीं पर दूसरे जो सीड्स थे उनकी शेप कैसी थी, वाइट और रिंकल्ड. मतलब कुछ सीड्स ऐसे थे राउंड थे और ग्रेश कलर के थे, वहीं पर कुछ सीड्स ऐसे थे जो कि वाइट इन कलर थे और थोड़े रिंकल्ड सुकड़े हुए थे. ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ये हो गया. दूसरा कॉटिलेडन. कॉटिलेडन आपको याद हो डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने पढ़ा जब था, तो कॉटिलेडन हमने पढ़े थे डाइकॉट मोनोकॉट ये जो था. तो अगर हम लोग यहां पर कॉटिलेडन्स के बारे में बात करें तो उनके कलर के बारे में बात की गई. ठीक है, सीड का जो कॉटिलेडन है उसका कलर कैसा है, येलो या फिर ग्रीन. ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लावर्स में. तो फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर क्या वाइट है या फिर फ्लावर का कलर वायलेट है. तो ये जो दो करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये एक ही करेक्टरिस्टिक के आपको दो अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्लावर कलर की बात करें तो पी प्लांट में दो कलर हो गए, एक वाइट हो गया एक वायलेट हो गया. तो अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि आखिरकार हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो अब आप इनके बेसिस पर ना स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप जो पी प्लांट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो वो ग्रो करने के बाद कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है और कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे ही मेंडल ने कंक्लूजन्स निकाले थे. ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं. फ्लावर का कलर के बारे में बात की, फिर पॉड की शेप के बारे में बात की. तो पॉड की शेप फुल या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. फिर उसके साथ कलर के बारे में बात करें, पॉड के येलो कलर में था या फिर ग्रीन कलर में है. ठीक है, ये भी दो वेरिएशंस दिखते हैं पॉड के कलर में. पॉड का शेप फ्लैटेंड इस तरह से होता है या फिर कंस्ट्रिक्टेड होता है. स्टेम की बात करें तो अब स्टेम का हम लोगों को प्लेसमेंट देखना है. ठीक है, तो स्टेम जो होते हैं एक्सियल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर टर्मिनल भी हो सकते हैं. तो टर्मिनल में किस तरह ये ग्रो करेंगे, एक जो फ्लावर्स है ना वो क्या करेंगे, पूरा ग्रो करके पॉइंट एंड पॉइंट पर ग्रो करेंगे. बट वहीं अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर फ्लावर्स एंड पॉइंट पे नहीं, एक्सिस पर ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने बोल दिया एक्सियल और टर्मिनल पॉड. ठीक है, और फ्लावर टॉप. अब साइज की बात करें तो अब स्टेम का साइज लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, तो मतलब हाइट हो गई है. ठीक है, तो अगर प्लांट टॉल है या फिर शॉर्ट है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि जो मेंडल थे उन्होंने चूज किए. टोटल कितने हो गए, शेप कॉटिलेडन 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो याद रखना कि कितने जो ट्रेट्स थे पी प्लांट के जो सेलेक्ट किए मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए, 7 ट्रेट्स, और वो ये यहाँ पर लिस्टेड है. ठीक है.